हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज़ टॉपिक इज स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एस। बच्चों, फ्रॉम द लास्ट टू वीडियो एक्चुअली हम लोग एंट्रोपी एंड गिव्स एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, वी स्टडीड द एंट्रोपी, इवन द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इक्वेशन, देन आफ्टर हमने गिव्स एनर्जी स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। उसी टॉपिक को वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी को ही आज कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द लास्ट थेरोटिकल यू नो द लेक्चर बेस्ड ऑन केमिकल थर्मोडायनेमिक ओनली। इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल बचेंगे हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, सॉरी एंट्रोपी एंड गिव्स एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक एंड एट द एंड एट द इन द लास्ट मीन्स एट द एंड ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ओके, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट वी स्टडीड इन आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, इवन इन द 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो वी स्टडी दैट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, के सी और के पी, उसका रिलेशन भी पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एस। हियर अंडर दिस टॉपिक विल सी हाउ डेल्टा एस एंड डेल्टा एच वैल्यू गिव्स द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। करेक्ट, चलता है फिर। विल स्टार्ट विद द सेम इक्वेशन दैट वी स्टडीड यस्टरडे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इन टू डेल्टा एस। करेक्ट, ये है इक्वेशन ऑफ गिव्स एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड एंट्रोपी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इन टू डेल्टा एस। डेल्टा जी गिव्स एनर्जी है, डेल्टा एस क्या, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, एंड डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। अब यहाँ पे द टेम्परेचर डिटरमाइंस द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टूवर्ड्स द डेल्टा जी। हियर वॉट एवर टेम्परेचर इज देयर नो दैट एक्चुअली यू नो एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, एंड दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस एक्सप्रेस वॉट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी ओवर हियर। अंडरस्टूड, डेल्टा जी पॉजिटिव है या फिर डेल्टा जी नेगेटिव है, दैट विल एक्सप्लेन्स बाई द डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वैल्यू। अंडरस्टूड, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस द फर्स्ट कंडीशन और द फर्स्ट टॉपिक। सी हियर, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव। इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर नेगेटिव, देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। ओके, अगर दोनों डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों नेगेटिव है, देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ओनली व्हेन डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव देन टी इनटू डेल्टा एस। अंडरस्टूड, ओनली व्हेन डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव देन टी इनटू डेल्टा एस, दिस इज पॉसिबल एट लो टेम्परेचर ओनली। सी द इक्वेशन हियर, इक्वेशन क्या है हमारा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इन टू डेल्टा एस। अगर दोनों वैल्यू एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव है, डेल्टा एच वैल्यू भी नेगेटिव है, डेल्टा एस वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। बट उसमें भी इफ डेल्टा एच वैल्यू इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा एस वैल्यू, तभी वो नेगेटिव आएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस साइन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। सो डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा, माइनस इंटू माइनस डेल्टा एस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो इफ यू आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, तो वो तो इफ डेल्टा एच वैल्यू इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा एस वैल्यू, देन एंड देन ओनली डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। समझ रहे, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, बट डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए कम्पेयर टू द डेल्टा एस वैल्यू, तभी हमारी डेल्टा जी वैल्यू क्या आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इन टू डेल्टा एस, ऑलरेडी माइनस टी इन टू डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, नेगेटिव साइन हो जाएगा बट ऑब्वियस आफ्टरवर्ड्स, बट हायर वैल्यू शुड बी ऑफ डेल्टा एच, नेगेटिव हायर वैल्यू, तभी वो ओवरऑल डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, अगर सेकेंड कंडीशन भी देख लेते हैं क्या हो सकता है ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ओनली व्हेन टी इनटू डेल्टा एस इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा एच। समझ गए, टी इनटू डेल्टा एस इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा एच। अगर डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो भी डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, देन ऑल्सो द डेल्टा जी वैल्यू विल बी नेगेटिव, बट हियर देर शुड बी मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एस और टी इंटू डेल्टा एस देन द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच।
अंडरस्टूड. टी इंटू डेल्टा एच शुड बी मोर नेगेटिव देन द डेल्टा एच वैल्यू, देन एंड देन ओनली द डेल्टा जी विल बी नेगेटिव. दिस इज़ पॉसिबल एट हायर टेम्परेचर. अब ये पॉसिबल होगा एट हायर टेम्परेचर. तो दोनों केस में, केस नंबर वन एंड नंबर टू, फर्स्ट केस में डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों नेगेटिव है, बट द कंडीशन इज दैट डेल्टा एच शुड बी मोर नेगेटिव देन डेल्टा एस, देन एंड देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव. और वो कंसिडर होता है या फिर वो एप्लीकेबल होता है एट लो टेम्परेचर ओनली. सेकेंड केस, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, करेक्ट, बट इन दिस केस डेल्टा टी एस और डेल्टा एस शुड बी मोर मोर नेगेटिव देन दी दिस वन डेल्टा एच वैल्यू. तब क्या होगा, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड दिस विल टेक्स प्लेस एट दी हायर टेम्परेचर ओनली. अंडरस्टूड? ओके. अगर इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, अब तो दोनों पॉजिटिव थे या फिर दोनों नेगेटिव थे ये हम पढ़ रहे थे. इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, देन डेल्टा जी इज नेगेटिव रिगार्डलेस ऑफ अ टेम्परेचर. टेम्परेचर हायर होगा या फिर टेम्परेचर लोअर होगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो सकते हैं हम. कब? व्हेन डेल्टा जी डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव. अंडरस्टूड? डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव है एंड डेल्टा एस वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इनटू डेल्टा एस. सो हायर वैल्यू डेल्टा एच वैल्यू इज मोर नेगेटिव एंड डेल्टा एस वैल्यू इज पॉजिटिव ओनली. तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज नेगेटिव ओनली रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर. एंड द लास्ट वन इज इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, देन डेल्टा जी इज पॉजिटिव ओनली. डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ओनली रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर. सच रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर. ओके. अब ये अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, सो सच रिएक्शंस डेफिनेटली आर नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर. इन ऑल द फोर कंडीशन, सब में पहले में आउट ऑफ फोर एक्चुअली फर्स्ट वन इज डेल्टा जी नेगेटिव है. डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. अंडरस्टूड? डेल्टा जी वैल्यू एंड डेल्टा एस वैल्यू से हमें स्पॉन्टेनिटी का पता चलता है. अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, दिस वन स्पॉन्टेनिटी विल बी देयर. अंडरस्टूड? तो फर्स्ट केस में डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. सेकेंड केस अगर कंडीशन है ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्शन, डेल्टा जी इज नेगेटिव, दैट्स वाई द प्रोसेस इज ओवरऑल प्रोसेस इज कंसिडर टू बी स्पॉन्टेनियस अगेन. इन द थर्ड केस ऑल्सो डेल्टा जी विल अपियर एज अ नेगेटिव वैल्यू. अंडरस्टूड? डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू है सो वहाँ पर भी हम लोग कहेंगे कि दैट प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस वन. बट इन द लास्ट वन हियर इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, देन डेल्टा जी इज पॉजिटिव ओनली. अगर डेल्टा जी पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो ओवरऑल प्रोसेस इज कंसिडर टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. अंडरस्टूड? सो हियर दैट्स वाई वी हियर विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वैल्यू वी कम टू नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पॉजिटिव वैल्यू और अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी ओनली वी कंसिडर वेदर दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके. और वी डिटरमाइन इन फैक्ट द वैल्यू द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. समझ गए बच्चों? तो ये ध्यान से पढ़ के याद रखना है कि डेल्टा जी वैल्यू डिपेंड होती है डेल्टा एस एंड डेल्टा एच के ऊपर. अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव तो है तो क्या होगा. इफ एच इज पॉजिटिव एस इज नेगेटिव देन वॉट इज द इफेक्ट ऑन डेल्टा जी. इफ एच इज नेगेटिव एस इज पॉजिटिव तो वॉट will be the value of delta G only, and that actually explains the spontaneity or non-spontaneity of the reaction. Understood? आगे बढ़ते हैं फिर. We'll go ahead. Temperature of equilibrium. See, for equilibrium, delta T at equilibrium only क्या हो सकती है equation? Actually, this particular equation express करेगा की टेम्परेचर. वी कैन एक्चुअली यूज़ दिस पर्टिकुलर फार्मूला टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द कंडीशन ओनली. ठीक है. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इन टू डेल्टा एस. दिस इज अवर गिव्स एनर्जी इक्वेशन. सो टी इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एस. टी इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एस. हियर द टी इज द टेम्परेचर एट विच चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर अकर्स. अंडरस्टूड? हमें सम भी मिलेंगे जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि फाइंड आउट द टेम्परेचर over which the reaction comes from spontaneous or reaction goes over from spontaneous to non-spontaneous or the process change from spontaneous to non-spontaneous. ऐसे questions होंगे. So in that case only the delta H value will be given, delta S value will be given. You have to find out only the T with the help of delta H upon delta S formula.
ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से टेम्परेचर पर, या किस पर्टिकुलर टेम्परेचर से चेंज हुए। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रखना है फॉर्मूला T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक, द लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, द गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन और यू कैन से गिब्स एनर्जी ओनली एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज के, यू कैन से के सी और आइदर के पी। बच्चों 11th स्टैंडर्ड में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर ये टर्म पढ़ा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज व्हाट? इट्स अ रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं। सी द गिव्स एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन और फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय, गिव्स एनर्जी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। ओके, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, एनी फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन द गिव्स एनर्जी चेंज इज गिवन एज, और इट इज गिवन बाय द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा जी तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा जी रिप्रेजेंटिंग द गिव्स एनर्जी ओनली। डेल्टा जी नॉट, और डेल्टा जी नॉट यानी डेल्टा जी रेस टू जीरो लिखा है ना, वो दैट इज डेल्टा जी नॉट। सो डेल्टा जी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। अंडरस्टूड? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। बच्चों ये वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, या फिर यूज़ करता है, कब यूज़ करता है? व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन एंड दैट द सब्सटेंस और यू कैन से द कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन ऑल आर प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट, तब हम लोग स्टैंडर्ड यू नो वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो हमने यू नो प्रीवियसली पढ़ा है इसी पर्टिकुलर चैप्टर में। अंडरस्टूड? सो स्टैंडर्ड वर्ड कब आ जाएगा? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन और जो उसमें इन्वॉल्व होने वाले सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। अब स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट यानी ओके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि समझ लो CO2 है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट ऑफ CO2 एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर आई शुड से। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है CO2? इट शुड बी इन अ गैसियस स्टेट ओनली। यानी रिएक्शन में अगर CO2 इन अ गैसियस स्टेट होगा तो वो हो जाएगी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। अगर वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एट रूम टेम्परेचर वाटर प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट ओनली। अंडरस्टूड? सो इन अ रिएक्शन इफ वाटर और उसके नीचे L लिखा होगा, दैट इज लिक्विड, सो वो हो गई उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। You are getting my point? If the sulfur is reacting with some other chemicals and sulfur, तो वो उसके उसका physical state क्या होगा at room temperature? Solid state. Understood? So sulfur should be in the solid state. That is its standard physical state. So it should be written s, small s at the bottom of the sulfur in a chemical reaction. तो ये हो जाएंगी बच्चों standard physical state of the matter, यानी normal temperature, normal in fact standard room temperature पे वो particular compound कौन से standard physical state में है, that is in solid, liquid and gas, that expressing its standard state. Understood? अब water को हम लोग liquid ही लिखते हैं, water को हम लोग gas या फिर you know solid state नहीं लिखते in you know at room temperature only. अगर होगा भी तो वो mention कर लेता है this that H2O is in liquid solid state, यानी ice, H2O in a gaseous state, यानी H2O in a gaseous state यानी क्या? Vapor और वाटर वेपर, यू कैन से। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या है एंड एवरीथिंग। सो हियर डेल्टा जी नॉट क्या एक्सप्रेस कर रहा है? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड वेयर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। समझ गए? सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, वेयर क्यू इज एक्चुअली द रिएक्शन क्वोशन्ट। ओके, क्यू क्या है यहाँ पे? रिएक्शन कोशेंट है। अभी रिएक्शन कोशेंट यानी इट इज़ सिमिलर टू द दिस वन, यू कैन सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन कोशेंट इज सिमिलर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, रिएक्शन कोशेंट उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो क्यू यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट।
ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर बच्चों याद नहीं है रिएक्शन क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ अभी। देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड के, क्यू और कैपिटल के, फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली के क्यों नहीं लिखा हमने। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम जब लिखेंगे व्हेन द रिएक्शन इज इन देयर इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट यानी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल, तब हम लोग कहेंगे इट इज द होल प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, अंडरस्टूड। तब हम लोग के वर्ड यूज करेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, अ रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। बट इफ द प्रोसेस और द रिएक्शन इज नॉट एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ के वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर टर्म, दैट इज क्यू। क्यू को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन क्वेश्चन, वो भी वही है, इट इज एक्चुअली फाइंड आउट बाई द बाई टेकिंग द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी क्यू एज वेल एज के दोनों की वैल्यू कैसे आती है, बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट के आता है एट इक्विलिब्रियम एंड क्यू आता है एट नॉर्मल स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट। जब इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए क्यू यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए के यूज करेंगे, समझ गए। सो चलते हैं आगे, इक्वेशन अपना डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, वेयर डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड क्यू इज द रिएक्शन क्वेश्चन। अब चलते हैं एक रिएक्शन की तरफ, एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करेंगे। कंसिडर अ रिएक्शन, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। अब उसका गिब्स एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू सी, यहाँ पे लिखा नेचुरल लॉग ऑफ क्यू सी और एल एन क्यू सी, सी रिप्रेजेंटिंग वॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। सी इज रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन, अगर क्यू पी लिखा होता तो पी रिप्रेजेंटिंग दी दिस वन प्रेशर। सो इस तरह से आगे इक्वेशन है एक्चुअली। सो हियर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन। अब क्यू सी एज आई सेड इट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट है अपना सी एंड डी, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सी रेस टू सी ओके इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू डी डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी, अंडरस्टूड। दिस इज फॉर दी कॉन्सेंट्रेशन। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन एक सोल्यूशन फॉर्म में है, समझ लो वॉट एवर रिएक्टेंट यूज हो रहा है वो दे आर इन द सोल्यूशन फॉर्म, अंडरस्टूड। तो सोल्यूशन का तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, तब वी हैव टू यूज द क्यू सी टर्म, यानी कॉन्सेंट्रेशन को की तरफ हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, यू आर गेटिंग मे पॉइंट। और अगर कोई रिएक्शन है, समझ लो कि ये ऊपर वाली रिएक्शन जो हमने कंसिडर की यहाँ पे ए ए प्लस बी बी गिव सी सी एंड डी मोल्स ऑफ डी, और ये गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, सो इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे द टर्म प्रेशर, अंडरस्टूड। फॉर द गैसियस रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेस बाय प्रेशर, सो इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा जी जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पी, अंडरस्टूड। आर टी एल एन क्यू पी, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन पी सी रेस टू सी इंटू पी डी रेस टू डी डिवाइडेड बाई पी ए रेस टू ए, ये पी बी इस साइड पे आ गया है, सो दैट इज पी ए रेस टू ए इंटू पी बी रेस टू पी है, दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री ओवर हियर, अंडरस्टूड। सो हियर क्यू सी एंड क्यू पी ये दोनों फॉर्म में, यानी रिएक्शन वेदर द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन और द रिएक्शन प्रोडक्ट इज प्रेशर इज गिवन, अंडरस्टूड। यानी रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट सब्सटेंस है, इवन द प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो एक सोल्यूशन फॉर्म में उनका कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, या फिर गैसेस रिएक्शन है जहाँ पे प्रेशर रिप्रेजेंट किया होगा, तो इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंटिंग दैट यू नो डेल्टा जी इक्वेशन फॉर दी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ अ प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, वेन द रिएक्शन रीचेस एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, एक रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, समझ लो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो हमारा जनरल इक्वेशन है स्क्रीन के एग्जैक्टली ऊपर देख लो टॉप पोजीशन पे, ए ए प्लस बी बी गिव सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई तो रिवर्सिबल एरो आ जाएगा वहाँ पे, एंड जिस स्पीड से रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट्स, उसी स्पीड से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है इनटू द रिएक्ट, समझ गए ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, अंडरस्टूड। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो,
डेल्टा जी इक्वल टू जीरो रहता है एक्चुअली, गिब्स एनर्जी चेंज जीरो हो जाती है। एट द सेम टाइम क्यू सी एंड क्यू पी विल बी रिप्लेस बाई के सी एंड के पी, इंस्टेड ऑफ क्यू सी विल बी राइटिंग के सी और क्यू पी के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे के पी, समझ गए, क्यू सी के प्लेस पे के सी एंड क्यू पी के प्लेस पे के पी, अंडरस्टूड? ओके, सो इफ वी रिप्लेस क्यू सी बाई के सी एंड क्यू पी बाई के पी तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ऊपर वाला इक्वेशन। अब देखो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, तो देखो हमारा स्क्रीन के टॉप पर इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। अब डेल्टा जी के प्लेस पे हम लोग जीरो डाल देंगे, अंडरस्टूड? तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी, क्यू सी रिप्लेस बाई के सी ओवर हियर और डेल्टा जी को रिप्लेस कर दिया बाई जीरो वैल्यू बिकॉज एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, अंडरस्टूड? सिमिलरली उस इक्वेशन को हम लोग अगर के पी फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ओनली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो क्या लिखेंगे, डेल्टा सॉरी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के पी, अंडरस्टूड? सो दिस इज कलेक्टिवली इक्वेशन फोर, एक्चुअली दोनों इक्वेशन फोर समझ लो, वो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी एंड जीरो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के पी। अब जीरो है तो आर टी एल एन के सी को इस साइड लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में तो वो माइनस हो जाएगा, सो सिंपली वी कैन राइट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, अंडरस्टूड? के सी एंड के पी, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फाइव। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि दिस नेचुरल लॉग एल एन ये रिप्लेस करना है बाई 2.303 लॉग टू द बेस 10, अंडरस्टूड? नेचुरल लॉग एल एन शुड बी रिप्लेस बाई 2.303 लॉग टू द बेस 10। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा फिफ्थ इक्वेशन, कैसे हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ के सी एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ के पी। दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स। बच्चों इक्वेशन सिक्स जो भी है फॉर इन टर्म्स ऑफ के सी इन टर्म्स ऑफ के पी मीन्स एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज, अंडरस्टूड? न्यूमेरिकल के लिए ये यूज़ करना। सो दिस इज द ओवरऑल डेरिवेशन जहाँ पे हमें मिलता है द रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स एनर्जी एंड द के सी। सो गिब्स एनर्जी इज रिलेटेड विद द के सी और के पी थ्रू द इक्वेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ के सी एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ के पी। वी गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए? तो बच्चों यहाँ पे हमने अपना थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर दिया पूरा इस चैप्टर का, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम सराउंडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम देन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है? इसके बाद स्टेट फंक्शन हमने कंप्लीट किया, वर्क कंप्लीट किया, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, अंडरस्टूड? उसके बाद फिर हमने डिफरेंट एंथैल्पीज इंटरनल एनर्जी, फिर हम चले गए एंट्रोपी के ऊपर एंड फाइनली गिव्स एनर्जी तक हम लोग पहुँचे, अंडरस्टूड? बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एट द सेम टाइम बहुत ईजी चैप्टर है, न्यूमेरिकल बहुत ईजी है एक्चुअली। ओके, सो प्लीज़ प्रॉपरली प्रिपेयर करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, यू विल बी गेटिंग डेफिनेटली 5 to 6 मार्क्स थ्रू दिस चैप्टर। आपको आराम से 5-6 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल सकते हैं इस चैप्टर में अगर आपने सारे कर लिए तो, और छोटे छोटे डेरिवेशन है इसमें, एट द सेम टाइम डेफिनेशंस थोड़ी ज़्यादा है, जैसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, देन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सो एंथैल्पीज के सारे डेफिनेशंस है, प्लीज़ वो डेफिनेशंस याद कर लेना विद द एग्जाम्पल ऑल्सो, क्योंकि ये एक मार्क के लिए आ सकता है आपको एग्जाम में, अंडरस्टूड? सो फॉर द न्यू काइंड ऑफ अ पेपर पैटर्न, जैसे 1 to 20 मार्क के क्वेश्चन 1 मार्क रहता है जनरली, 1 मार्क आंसर इन 1 सेंटेंस और यू नो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, सो वहाँ पे ये सब डेफिनेशन एवरीथिंग विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ गो फॉर इट। हाँ, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जस्ट नो डाउट नेक्स्ट इसमें हम लोग इसके ऊपर के न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे एंड देन पूरा थियर अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।